ये मॉडल है कार्चर WD6 प्रीमियम। इसको ओपन करना और कैसे क्लोज करना है, वैसे WD5 प्रीमियम और WD6 प्रीमियम एक ही है रिपेयर करने के, अगर आपको रिपेयर करना है खोलना है। ओपनिंग प्रोसेस सेम रहेगा, इधर यहाँ पे इसका फ्लैट कवर है, इस बटन को प्रेस करके ऐसे निकालो, ये इसका फ्लैट फिल्टर हो गया है जो डस्ट को रोकता है मोटर पर पहुंचने से। इसकी वायर है, ये इसका ऑन ऑफ बटन है, इसमें एक ऑप्शन है कि इसमें आप पावर टूल भी लगा सकते हो, कि जैसे इंडिया में पावर टूल जो ग्राइंडिंग के लिए होता है या फिर जो वोट में फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं, तो वो प्लग इधर लग जाएगा पावर टूल का और उसी से भी कंट्रोल होगा वैक्यूम क्लीनर, साथ में सक्शन भी होता रहेगा जो पार्ट होंगे। ये ऑन ऑफ, ये ब्लोअर है, ये ऑन ऑफ है, इधर से ऑन करेंगे तो आप जो वैक्यूम की मोटर है वो स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम। ये उसकी स्पीड है जो उसमें पावर टूल लगेगा, इधर करोगे तो ये उस चीज़ की स्पीड को, उस पावर टूल की स्पीड को कंट्रोल करेगा, ठीक है। मशीन को ओपन करने से पहले ये जो नोब है इसको निकाल लेना है, निकालने के लिए इधर जस्ट यहाँ पे ऐसे माइनस का स्क्रू ड्राइवर लेना है, ये पुश करना है अंदर और इसको ऐसे करके निकाल देना है। अगर आपने नहीं निकाला जब आप मशीन ओपन करोगे तो ये जो नोब है ये टूट जाएगी। ये सेमी ऑटोमेटिक फिल्टर क्लीनिंग के लिए है, ओपन करने के लिए सारे नट ओपन करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नट ओपन करने के बाद ये येलो कवर आपको ऊपर उठाना है, बट केयरफुली, क्योंकि इसमें कुछ वायरें जो हैं वो अंदर कनेक्टेड है, जो पावर सॉकेट दिया हुआ है पावर टूल के लिए, उसमें जब भी ओपन करना है केयरफुली, बेटर है तो एक पिक्चर ले लो ताकि आप कनेक्शन भूल ना जाए। ये अर्थिंग की वायर मैंने इधर से निकाल दी है, ठीक है। तो खोलने से पहले आपको वायर रिमूव करनी होगी ये इधर से, जब भी मोटर चेंज करनी है पहले तो पीसीबी को अलग कर लेना है इधर से, ये निकल जाएगी, ये मोटर के कनेक्शन है जो अंदर से आ रहे हैं, तो मोटर के कनेक्शन मैं कर लूँगा इधर से डिस्कनेक्ट। अभी ये जो पार्ट है इस पार्ट को यहाँ
यहाँ पे लॉक है, इसे बाहर निकालना है और इसे ऊपर खींच लेना है ऐसे। ओपन करने के बाद फिर ये जो ब्लोअर फंक्शन है ये भी निकालना पड़ेगा। इधर लॉक सिस्टम है, इन लॉक को जैसे आप बाहर की तरफ खींचोगे ये निकल जाएगा बाहर, क्योंकि इसके नीचे स्क्रू है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे, इधर इधर और इधर, वो सभी आपको ओपन करने हैं। जैसे ही सारे स्क्रू ओपन हो जाएंगे तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इजली बाहर आ जाएगा ऐसे। और ये आपकी मोटर है, पर मोटर की पोजीशन आपको ध्यान रखनी है, ये जो कटिंग है ये जस्ट इधर ही रहनी चाहिए। अगर ये कटिंग मैंने जो मोटर का पार्ट है अगर मैंने ये ऐसे कर दिया तो ये वाला पार्ट इसमें फिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो कटिंग है ये ऐसे ही रखनी है। ये इसकी मोटर है, यूनिवर्सल मोटर 1300 वाट की है, 1300 वाट्स। ये इसकी सील्स हैं, जब भी नई मोटर चेंज करनी है सील्स और मोटर आपको साथ में ही चेंज करने हैं। और पोजीशन वो आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे आपने मोटर को डिसअसेंबल किया था या निकाला था। क्लोज करने से पहले ये वाली वायर केयरफुली यहाँ से निकालनी है। मशीन फिट हो गई है ठीक से, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। वायर को मैं पहले रूट करूंगा, जहां जहां से आ हुई थी उसी ग्रूव में से लेके आऊंगा वायर को, ओके। और यहां पे इसे मैं फिट कर दूंगा। उसके बाद पीसीबी में जो कनेक्शन थे वो ऐसे ही लगाना है, क्योंकि ये वायर हमने यहां से निकाली थी तो यहां पे लगेगी, ये इधर अर्थिंग वाली वायर यहाँ पे लगेगी ताकि स्टैटिक करंट के लिए। और जो ये दो वायरें हैं आगे वाली ये एक यहाँ पे लग जाएगी, फिट हो गई है। वायर सभी रूटेड है और जब भी ये कवर फिट करना है तो इसमें ध्यान किस चीज का रखना है, एक तो ये गैप है इधर, ये गैप है एक तो इसे, ये वाला जो ये वाला गैप है वो इसमें आएगा और जो आगे वाला गैप है वो यहां पे फिट होगा।
फिट हो गया। ये ब्लोअर वाला पार्ट इधर ही फिट करना होगा। जो ये फ्लैप था सेमी ऑटोमेटिक फिल्टर क्लीनिंग के लिए, ये पार्ट भी उसी जगह ही फिट करना है जहां से हमने निकाला है। उसको हमने ओपन की है, हमें भी टाइट कर देना है। ये नॉब को सबसे एंड में फिट करना है इधर। जैसे क्लिक की आवाज आएगी ये फिट हो गया है। फिल्टर इधर से स्लाइड कर देना है और आपकी मशीन होगी ये रिपेयर।